हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल बैक बेंचर टू सिविल सर्विस। ये है करंट अफेयर का सीरीज, फटाफट सीरीज, जिसमें कि पूरे वीक का करंट अफेयर कवर किया जाता है, जो कि कलेक्ट किया गया बहुत सारे न्यूज़पेपर से। इसमें आपको मिलेगा इम्पोर्टेंट डेज, इस वीक में हुए इम्पोर्टेंट अपॉइंटमेंट्स, स्कीम प्रोजेक्ट एंड इनिशिएटिव क्या क्या लिया गया है, प्राइज और इंडेक्सेस भी देखेंगे, उसके साथ साथ इकोनॉमी, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, मिसलेनियस न्यूज़ रिलेटेड टू नेशन एंड इंटरनेशनल्स। ठीक है, तो ये कवर किया जाएगा। ये फटाफट सीरीज का पर्पस है कि अधिक से अधिक करंट अफेयर का कवरेज करना, और लिमिटेड समय में हम कोशिश करेंगे कि 7 मिनट में पूरे करंट अफेयर को कवर किया जाए। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। इस करंट अफेयर में आपको एक्सप्लेनेशन नहीं मिलेगा, एक्सप्लेनेशन के लिए हम सेपरेट वीडियो, जो मंथली वीडियो लेके आएंगे, उसमें हम एक्सप्लेन करेंगे, उसमें कैटेगरी नहीं रहेगा। इसमें जैसे कि बहुत सारे ऐसे करंट अफेयर होंगे जिसका इंपॉर्टेंस थोड़ा कम है, लेकिन जब मंथली सीरीज लेके आएंगे उसमें सिर्फ और सिर्फ इम्पॉर्टेंट और वेरी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर होगा, जिसमें कि एक्सप्लेनेशन भी होगा। ठीक है, तो अब से 7 मिनट, बस 7 मिनट आप मेरे साथ बने रहिए। तो सबसे पहले देखेंगे इंपॉर्टेंट डेट्स। 21 सितंबर को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस, और इसका थीम था रिकवरिंग द बेटर फॉर एन इक्विटेबल एंड सस्टेनेबल वर्ल्ड। 22 सितंबर को मनाया जाता है वर्ल्ड रोज डे और वर्ल्ड राइनो डे। ठीक है, 23 सितंबर को मनाया जाता है इंटरनेशनल साइन लैंग्वेज डे। ठीक है, और इसका थीम था वी साइन फॉर वुमन राइट। 25 सितंबर की बात करें तो वर्ल्ड फार्मासिस्ट डे मनाया जाता है, जिसका कि थीम था फार्मेसी ऑलवेज ट्रस्ट फॉर योर हेल्थ। और अंत्योदय दिवस भी मनाया जाता है 25 सितंबर को, यह है बर्थ एनिवर्सरी ऑफ पंडित दीनदयाल उपाध्याय। देखिए 25 सितंबर हो गया ना, 25 दिसंबर को एक डे मनाया जाता है इंपॉर्टेंट डे, गुड गवर्नेंस डे मनाया जाता है इंडिया में, वो किसके बर्थ एनिवर्सरी का डे है वो आप कमेंट में लिखिए। ठीक है, अपॉइंटमेंट की बात करें तो भारतीय वायुसेना के अगले प्रमुख बनेंगे वीआर चौधरी, कनाडा का तीसरे कार्यकाल के लिए पीएम चुने गए हैं जस्टिन ट्रूडो, और पंजाब के 16वें मुख्यमंत्री बने हैं चरणजीत सिंह चन्नी, रंधावा और ओपी सोनी को बनाया गया है डिप्टी सीएम। फिर से प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया के अध्यक्ष चुने गए हैं अविक सरकार। ठीक है, स्कीम की बात करें तो हिमालयन फिल्म महोत्सव के पहले संस्करण का मेजबानी करेगा लेह, दूरदर्शन और आकाशवाणी के लिए उच्च शक्ति ट्रांसमीटर कहाँ इंस्टॉल किया गया है, वर्ल्ड के हाईएस्ट रेडियो स्टेशन, ठीक है, जो कि सिचुएटेड है कारगिल के हमबोंटिंग ला में। डेंगू के प्रकोप से लड़ने के लिए 10 हफ्ता 10 बजे 10 मिनट का अभियान शुरू किया है दिल्ली सरकार। डिजिटल कृषि मिशन का ही एक भाग है जिसमें किसानों के लिए एक विशिष्ट आईडी क्रिएट किया जाएगा 12 अंकों का, लाइक ए आधार आईडी। ठीक है, मेडिकल डिवाइस पार्क को स्टेबलाइज करने के लिए 400 करोड़ का फाइनेंशियल आउटले दिया जाएगा गवर्नमेंट के द्वारा, और ये हिमाचल प्रदेश, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में इनिशियली मेडिकल डिवाइस पार्क बनाया जाएगा। आयुष्मान भारत का तीसरा वर्षगांठ चिन्हित करने के लिए आरोग्य मंथन 3.0 लॉन्च किया गया है। भारत में खाद्य पोषण सुरक्षा और आजीविका में सुधार के लिए एक एमयू साइन किया है कौन, वर्ल्ड फूड प्रोग्राम इंडिया और इंटरनेशनल क्रॉप्स रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉर सेमी एरिड ट्रॉपिक्स, ये दोनों मिलके साइन किया है ताकि इंडिया में फूड सिक्योरिटी और न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी को इंश्योर किया जाए। चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर एक चंद्र क्रेटर है, ठीक है, उसका नाम रखा गया मैथ्यू हैंसन के नाम पर। ठीक है, आर्कटिक एक्सप्लोरर के नाम से ये जाने जाते हैं, मैथ्यू हैंसन। बांग्लादेश के पीएम शेख हसीना को मिला है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल प्रोग्रेस अवार्ड। ब्रिगेडियर एस बी सरस्वती को मिला है प्रतिष्ठित राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइट एंगल पुरस्कार। CIPS एक्सेलेंस इन प्रोक्योरमेंट अवार्ड मिला गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस को। ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन दिया गया है दो बीच को, कोल्लम जो कि तमिलनाडु में स्थित है और ईडेन जो कि पौंडीचेरी में, इसके द्वारा फाउंडेशन ऑफ एनवायरमेंट एजुकेशन इन डेनमार्क के द्वारा। ठीक है, इंटरनेशनल हाइड्रो इलेक्ट्रिक एसोसिएशन के द्वारा ब्लू प्लैनेट अवार्ड दिया जाता है, जो कि मिला है तीस्ता वी पावर स्टेशन सिक्किम को। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स की बात करें तो 46 स्थान पर इंडिया है, टॉप किया है स्विट्जरलैंड, और इंटरनेशनल स्टार्टअप हब रैंकिंग की बात करें तो बैंगलोर को मिला है 23rd पोजीशन, वो जो कि इंडिया में टॉप है। इकोनॉमी एंड साइंस एंड टेक्नोलॉजी की बात करें तो क्लाइमेट चेंज 2021 द फिजिकल साइंस बेसिस एक रिपोर्ट प्रकाशित किया है IPCC ने। 6 विशाल
आकाश गंगाओं, जहां पर क्या हुआ है, ठंडी हाइड्रोजन गैस समाप्त हो रही है, ये देखा गया है हबल टेलीस्कोप से। WHO के हिसाब से डेल्टा वेरिएंट को सबसे खतरनाक वेरिएंट माना जा रहा है। अल्फा, बीटा और गामा तीन वेरिएंट ऑलरेडी आपको पता होगा। इसके अलावा तीन वेरिएंट जो फेमस है, एटा, ई ओटा और कप्पा। ठीक है, भारत के 61 में सॉफ्टवेयर पार्क बनाया जाएगा कोहिमा में, जो कि नागालैंड का पहला पार्क है। इसरो छोटे उपग्रहों के विकास के लिए भूटान के साथ एक समझौता किया है। शैक्षणिक संस्थाओं के लिए पेटेंट शुल्क में 80% की कमी की गई है। ठीक है, पेटेंट शुल्क को कम कर दिया गया 80% से शैक्षणिक संस्थाओं में। RBI फ्रॉड ऋण वालों का ऋण हस्तांतरण कर दिया है ARC को। ARC है आपका एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनीज, ठीक है, संपत्ति पुनर्निर्माण कंपनीज। USA की दो एजेंसी DFC और USAID दोनों संयुक्त रूप से भारत को 55 मिलियन डॉलर का क्रेडिट देगा, क्रेडिट गारंटी कार्यक्रम के लिए। ठीक है, सिक्किम की राज्य मछली, सिक्किम अपना राज्य मछली घोषित किया है, जिसका नाम है कैटली, और इसको बोलते हैं कॉपर महसीर। सीरो टाइप टू संबंधित है आपको डेंगू से। भारत स्वच्छ ऊर्जा प्रतिबद्धता के लिए 450 गीगावाट रिन्यूएबल रिसोर्स से और हर एक साल 1 मिलियन टन ग्रीन हाइड्रोजन का प्रोडक्शन करेगा बाय 2030 तक। ठीक है, दुनिया का सबसे ऊंचा ई चार्जिंग स्टेशन खोला गया है काजा शहर हिमाचल में। बंगाल की खाड़ी में फिर से चक्रवात आ रहा है गुलाब, और इससे पहले तोकाते और यास आ चुके हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग करके स्किल डेवलपमेंट बढ़ाने के लिए राष्ट्रीय कौशल विकास निगम भागीदारी किया है वाइजली वाइज से। CBSE बोर्ड परीक्षा दस्तावेजों को सुरक्षित करने के लिए एक टेक्नोलॉजी लेके आ रहा है, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का यूज करेगा। देखिए, ट्राइफेड अपना ऑनलाइन का मार्केटिंग को विस्तार करने अक्षर किया है बिग बास्केट के साथ। इवेंट समिट की बात करें तो सहकारी, राष्ट्रीय सहकारी सम्मेलन आयोजित किया गया नई दिल्ली में, और इसका मंत्र था सहकार से समृद्धि। UNO में सूचना और लोकतंत्र के लिए शिखर सम्मेलन को संबोधित किए हैं श्री अनुराग ठाकुर। ठीक है, और फर्स्ट इन पर्सन बैठक जो क्वाइट का आयोजित किया गया है वाशिंगटन DC में। देखिए, सारा जितना भी अभी चल रहा था UNO का ना, सब न्यूयॉर्क में चल रहा था, तो ये इंपॉर्टेंट है कि वाशिंगटन में किया गया है क्वाइट का फर्स्ट पर्सन सबमिट। सभी क्रिप्टो करेंसी के लेन देन को अवैध घोषित किया है चाइना। ठीक है, न्यूयॉर्क में जो UNO का अभी सम्मेलन चल रहा है, ये है 76वां। भारत के कोविडशील्ड वैक्सीन को मान्यता दिया है इटली ने। ठीक है, नेस्डैक स्टॉक एक्सचेंज USA का है, उस पहली भारतीय कंपनी बनी है जो उसमें सूचीगत हुई है प्रेस वर्कर, और ये है SaaS कैटेगरी, सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस कैटेगरी की कंपनी है। ठीक है, प्रेस वर्कर्स। ह्यूगो ज्वालामुखी विस्फोट जो हुआ है जी, वो स्थित है गवाटेमाला में। ठीक है, कोल्स एंड माइंस पर पहला ज्वाइंट वर्किंग ग्रुप बना है भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच में। जलवायु संकेतक और सतत विकास शीर्षक से एक रिपोर्ट जारी किया विश्व मौसम विज्ञान संगठन द्वारा। ठीक है, फेड टू फेल रिपोर्ट अभी जारी किया है यूनिसेफ, जिसमें कि 2 साल तक के बच्चों का आहार से रिलेटेड संकट का जिक्र किया जाता है। और सबसे पुराने मानव पैरों के निशान खोजे गए हैं न्यू मैक्सिको में, उत्तरी अमेरिका में। और हमेशा संयुक्त राष्ट्र महासभा में पहला वक्ता के रूप में होता है ब्राजील। ठीक है, तो ये था आज का करंट अफेयर। इफ यू लाइक दिस वीडियो देन शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग।